समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार और प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। वो हर समय पूजा पाठ आदि करती रहती थी। राजा के महल के बिल्कुल सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी पक्की सहेलियां थी। एक दिन साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जब रानी ने साहूकारनी के रोने की आवाज सुनी तो वो राजा से बोली, महाराज ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तब राजा ने रानी को बताया, रानी साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए साहूकारनी बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वो दुख से रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज ये दुख क्या होता है? तो राजा बोला, उसका बेटा मर गया है इसलिए वो दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर पूछा, लेकिन महाराज ये दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही। तब राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। गुस्से में आकर राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। जाओ अपने पुत्र को मार दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आया तो देखता है कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोंच भी नहीं लगी थी। तब रानी ने राजा से फिर से वही सवाल किया, महाराज अब बताइए दुख क्या होता है? तो राजा बोला, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और अब मैं अकेला ही उनसे लड़ने जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा युद्ध के मैदान की ओर चला गया। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेला ही जीत कर महल वापस लौट आया। अब राजा भी सोच में पड़ गया, आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं ये नहीं समझा पा रहा कि दुख क्या होता है? तब राजा ने रानी को बुलवाया और उससे कहा, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो। वहां जाकर मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे का और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वो दोनों एक नदी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां आ पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, राजन हम यही विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां उतर गए और पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए चला गया। तब बकरी का रूप धारण करे माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा? ये दुख कब देखेगी? इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा? रानी ने उस बकरी को इंसानी भाषा में बात करते सुन लिया। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, अपने पिछले जन्म में इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इस जन्म में ये रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। गंगा जी में बह जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आया तो रानी ने उसे सारी बात बता दी। वो दोनों वापस अपने महल लौट आए और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, अब से सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा और व्रत करने लगा। जय अमावस्या माता, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।